नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। उज्जैन के जीवाजी गंज थाना क्षेत्र के बिलौटीपुरा स्थित हॉस्टल के स्टूडेंट्स पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। आरोपी देर रात हॉस्टल में घुसे, यहां स्टूडेंट्स को लात, घूस और डंडों से पीटा। इसके अलावा कुर्सियां भी फेंकी गई। आपको बता दें कि घटना 25 दिसंबर की रात की है, जिसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। घटना का कारण पता नहीं चला है। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश भी कर रही है। घटना के बाद हॉस्टल व धर्मशाला में रह रहे लोगों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि घटना धर्मशाला में बने बॉयज हॉस्टल विंग में हुई। हमलावर जिन छात्रों को मारने आए थे वो धार जिले के रहने वाले हैं। वीडियो में करीब 2 दर्जन से लोग ज्यादा धर्मशाला में घुसकर वहां के रहने वाले छात्रों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी लगते ही दांगी समाज धर्मशाला में जीवाजीगंज के थाने के SI शांतिलाल मीणा फोर्स के साथ पहुंचे और उन्होंने बताया कि घटना 25 दिसंबर की रात की है, जिनमें से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इसमें एक युवक भूरा की पहचान की गई है। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि बदमाश बेरहमी से छात्रों की पिटाई कर रहे हैं। सभी आरोपी धर्मशाला के आसपास के रहने वाले ही बताए जा रहे हैं। ये पूरा वाकया धर्मशाला में लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। वहीं जानकारी लगते ही छात्र युवा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार दांगी ने SP से मिलकर बताया कि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश के सभी जिलों से दांगी समाज उज्जैन में इकट्ठा होकर आंदोलन करेगा। वही रवि दांगी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस देर रात 2 बजे मौके पर पहुंची थी। उन्हें संबंधित आरोपियों के नाम भी पता है, फिर भी 3 दिन के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज समाज के युवाओं को जैसे ही पता लगा तो यहाँ उज्जैन के आसपास के जो करीबन 7 से 8 जिले हैं वहाँ के तो लोग आ गए हैं और SP साहब पुलिस निरीक्षक महोदय को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन के माध्यम से यहाँ थाने में FIR भी दर्ज करा दिए। यदि पुलिस ने कुछ ही दिनों में सख्त कार्रवाई नहीं की और उन पर कानूनन कार्रवाई करके उनको सजा नहीं दी और उनको सबक नहीं सिखाया तो पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के दांगी रोड़ों पर निकलेंगे और यहाँ उज्जैन पहुंचेंगे और उन पर ढूंढकर विशेष तौर पर कानून कार्रवाई करवाने के लिए मजबूर करेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।